हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रादेशिक व्यापार समूह पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों पर, पतनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है और पतनों के प्रकार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रादेशिक व्यापार समूह पर। दोस्तों, प्रादेशिक व्यापार समूह मुख्य रूप में देश के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एवं विकासशील देशों के व्यापार में लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। दोस्तों, आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के लगभग 52% व्यापार का जनन करते हैं। अगर हम बात करें इनमें से मुख्य प्रादेशिक व्यापार समूह की, तो पहला है एशियन, दूसरा है CIA, तीसरा है EU यूरोपीय संघ, और उसी प्रकार अगला है NAFTA और SAFTA। आप इनके बारे में, इनका मुख्यालय, इनके सदस्य राष्ट्र, इनकी उत्पत्ति, कि किस किस वस्तुओं में डील करते हैं और इनके सहयोग के अन्य क्षेत्र, ये सभी डिटेल इस तालिका के द्वारा पा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों पे करते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी भी राष्ट्र के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों स्थिति उत्पन्न कर सकती है। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए लाभदायक कब होता है। तो जब ये किसी राष्ट्र के प्रादेशिक विशिष्टीकरण के लिए कार्य करता है, तो ये लाभदायक की स्थिति में होता है। अगर ये उत्पादन के उच्च स्तर को प्रोत्साहित करता है, तब ये लाभदायक होता है। अगर ये उच्च रहन सहन के स्तर को प्रोत्साहित करता है, तब यह लाभदायक होता है। यह उस स्थिति में भी लाभदायक होता है जब वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता होती है और कीमत और वेतन का सामनीकरण करने पे यह लाभदायक की स्थिति में होता है। और तो और, अगर ये ज्ञान एवं संस्कृति का प्रसार को प्रेरित करता है, तो ये लाभदायक होता है। तो दोस्तों, ये सारी स्थितियों में जिनकी चर्चा हमने की, उस स्थितियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी के लिए लाभदायक होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कब किसी राष्ट्र के लिए हानिकारक स्थिति उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के लिए हानिकारक तब हो सकता है जब वो राष्ट्र पूरी तरह दूसरे राष्ट्रों पे निर्भर हो जाए। हानिकारक स्थिति तब भी उत्पन्न हो सकती है अगर विश्व में विकास का जो है सभी राष्ट्रों के लिए स्तर जो है असमान बना रहे। ये स्थिति हानिकारक तब भी हो सकती है जब शोषण और युद्ध के कारण बनने वाली प्रतिद्वंद्वता की ओर राष्ट्र उन्मुख कर जाए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य कल्याण इत्यादि मामलों को अनदेखा करता है, तब भी यह राष्ट्रों के लिए हानिकारक साबित होता है। आजकल व्यापार के लिए देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ती जा रही है, जिसके उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी जो है बढ़ता जा रहा है और संसाधन बहुत ही तेजी गति से नष्ट होते जा रहे हैं। और अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये जो नष्ट हो रहे संसाधनों की भरपूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वह हानिकारक स्थिति पैदा हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक तब भी होता है जब संगठन केवल लाभ के उद्देश्य से उन्मुख रहे। आजकल व्यापार के कारण बहुत तेज गति से समुद्री जीव जो है नष्ट हो रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं और नदी बेसिन निजी पेयजल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं।
जहां तक कि तेल, गैस, खनन, औषधि इन सभी का जो है उपयोग बढ़ता जा रहा है। और अगर संगठन इन सभी की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाता है तो वह हानिकारक स्थिति पैदा करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक तब भी बनती है जब संगठन का कार्य करने की पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानकों का अनुसरण नहीं करते हैं। तो बच्चों, ये सभी स्थिति है जिनके तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक बन जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि पत्नों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। दोस्तों, पतन व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बड़े पैमाने पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है समुद्री भागों से ही किया जाता है। अतः ये पतन जो है निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि वस्तुओं को लादने, उतारने एवं भंडारण की सुविधा। उसके अलावा जहाजों के रखरखाव की व्यवस्था भी ये पतन करते हैं। उसके अलावा जहाजों के रुकने ठहरने के लिए आश्रय प्रदान ये पतन ही करते हैं। और तो और, ये पतन श्रम एवं प्रबंधक की एक सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पतनों के प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकार पे। तो सबसे पहला इसमें आपका आता है औद्योगिक पतन। ये जो औद्योगिक पतन होते हैं, ये पतन थोक नौभार के लिए विशेषकृत होते हैं, जैसे कि अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ। दूसरा है वाणिज्यिक पतन। ये पतन सामान्य नौभार संवेष्टिक उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटारण करते हैं। ये पतन यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं। तीसरा है आपका विस्तृत पतन। ये पतन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। और दोस्तों, संसार के अधिकांश महान पतन विस्तृत पतनों के रूप में ही वर्गीकृत किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पतनों के प्रकार पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम अब स्थिति के आधार पे पतनों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब स्थिति के आधार पे पतने मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, बाह्य पतन और अंतर्वेशीय पतन। अगर हम बात करते हैं बाह्य पतन की, तो ये गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर पे बने होते हैं। ये उन जहाजों को जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में असक्षम होते हैं, उनको ग्रहण करके पैतृक पतनों की सेवा प्रदान करते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो एथेंस तथा यूनान में इसके बाह्य पतन पिरेसियस एक उच्च कोटि का संयोजन है। अब हम बात करते हैं अंतर्वेशीय पतन की। तो ये पतन समुद्री तट से दूर स्थित होते हैं और ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पतन जो है चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। उदाहरण के लिए मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है, मेम्फिस मिसिसिपी नदी पे अब स्थित है, राइन के अनेक पतन है जैसे कि मैनहेम और ड्विंसबर्ग। यहाँ तक कि अगर हम बात करें भारत की, तो कोलकाता हुगली नदी जो कि गंगा नदी की एक शाखा है पर स्थित है, ये उसकी उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पतनों के प्रकार में विशेषकृत कार्यकलापों के आधार पे पतनों के प्रकार पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, विशेषकृत कार्यकलापों के आधार पे पतनों को मुख्यतः पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है तेल पतन। तेल पतन जो है प्रक्रमण और
नौ परिवहन का कार्य करती हैं। इनमें से कुछ टैंकर पतन है तथा कुछ जो है तेल शोधन पतन है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो वेनेजुएला के माराकाइबो, ट्यूरिनिसिया में एसएस खीरा, लेबान में त्रिपोली, ये जो है टैंकर पतन है। वहीं पे पार्शिया की खाड़ी पे आबादान एक तेल शोधन पतन है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं मार्ग पतन पे। मार्ग पतन को विश्राम पतन भी कहा जाता है। ये ऐसे पतन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पे विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जहां पर जहाज पुनः इंजन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लाने के लिए लंगर डाला करते थे। बाद में ये वाणिज्यिक पतनों में विकसित हो गए। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो होनोलुलु तथा सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे अर्थात पैकेट स्टेशन पे। इन्हें फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। इसका उदाहरण इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाश है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आंतरिपो पतन पे। ये वे एकत्रित केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात की गई वस्तुएं लाई जाती हैं, जैसे कि सिंगापुर एशिया के लिए आंतरिपो पतन है, उसी प्रकार रोटरडम यूरोप के लिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं नौसेना पतन पे। ये पतन केवल सामाजिक महत्व के लिए होते हैं। ये वो पतन है जहां युद्धक जहाजों को सेवाएं दी जाती हैं तथा उनके लिए मरम्मत के लिए कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में स्थित पतन कोची तथा कारवार है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्रादेशिक व्यापार समूह, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, पतनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है और पतनों के प्रकार पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।